असलम वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स बहुत ही प्यारी फ़्रॉक है ये भी लेयर्स वाली फ़्रॉक है लेकिन इसमें हम एक रोज पेटल बनाएंगे ठीक है रोज़ के पेटल्स की तरह ये एक फ़्रॉक होगी जिस तरह के आ, एक फ्रॉक होती है जिसमें एक फ्लावर की शेप की लुक आएगी जो फैब्रिक है और गैन्ज़ा है एंड यू नीड टू पॉइंट फाइव मीटर्स ऑफ फैब्रिक फॉर दिस फ्रॉक ठीक है डबल करके मैंने रखा है डबल फैब्रिक यू नीड

किड यू कैन ऑल्सो मेजर इफ़ यू वॉन्ट टू मेक इट फॉर अ बिगर और अ एल्डर किड यू कैन मेजर इट विद देंथ ऑफ दअ क्लॉथ्स अच्छा मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा साइड से काटा है ना जस्ट मेजर इट एज यू नो इट्स सेवनटीन पॉइंट फाइव एंड इफ़ यू मेजर द लेंथ विद्थ इट्स अबाउट सेवेंटीन पॉइंट फाइव एंड विथ को अगर हम करते हैं तो तकरीबन हमारे पास कितनी आ जाएगी मैं आपको दिखा देती हूँ ट आ जाएगी इसमें भी सेम टू पीसेज ऑफ स्लिप एंड टू पीसेज ऑफ ऑर्गेन्ज़ा फैब्रिक दिस इज हाउ यू हैव टू फोल्ड इट ठीक है इन दोनों को फोल्ड कर लें इस तरह रख लें पुट इट लाइक दिस एंड कट इट विद बाई मेजरिंग इट विद किड्स क्लॉथ नाउ फ्रेंड्स ये एक्स्ट्रा कपड़ा है ठीक है अलग से कपड़ा है इसको भी मैंने डबल रखा हुआ है इसकी मैं आ, लेयर्स बनाऊंगी फ्लावर पेटल्स बनाऊंगी ये भी आपको डबल चाहिए आपको मैंने इसकी लेंथ और विर्थ मैंने बता दी है ट्वेंटी एट हो गई और दूसरी साइड भी ट्वेंटी एट है एक स्क्वायर हमारे पास दो आ जाता है और गैन्जा फैब्रिक दिस इज एन और गैजा फैब्रिक लेंथ एंड वर्थ आर द सेम टेक डबल पीस ऑफ दिस फैब्रिक एंड वट यू नीड टू डू इज टू पुट द इंची टेप एंड मेजर मार्किट सिक्स इंचज़ ओवर हेयर जस्ट मार्क अ सर्कल लाइक दिस देन अगेन सिक्स इंचिस एंड मार्क अ सर्कल लाइक दिस छः इंचज़ का फ़ासला करें फिर मार्क करें इस तरह आपने इसकी बना लेनी है आ, गोल लेयर्स बना लेनी है फ्रेंड्स ऐसी फ्रॉक्स आप बर्थडे वगैरह पर भी यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत सस्ती पड़ेंगी अगर आप खुद बनाएंगे तो फ्रेंड्स अब ये मैंने काट ली हैं इनकी साइडों पे मैं पाइपिंग कर दूंगी ठीक है ये इस तरह आपने लगानी होगी तो चलिए हम शुरू करते हैं ना फ्रेंड्स एज यू सी दिस इज़ द लोअर पार्ट ऑफ द फ्रॉक आई जस्ट डू पाइपिंग आई डिड पाइपिंग ऑल ओवर द स्ट्रिप्स एंड द मेन फैब्रिक फॉर मेकिंग द फ्रॉक अच्छा इसकी मैंने पाइपिंग कर ली सारी स्ट्रिप्स की आप देख सकते हैं नीचे से मैंने सारों की पाइपिंग कर ली इस तरह आपके पास गोल गोल जो है वो स्ट्रिप्स आ गई हैं इसी तरह जो नीचे वाला पोर्शन था उसकी भी मैंने नीचे से पाइपिंग कर ली थी ठीक है और अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसको कैसे इस तरह आपने इसको मार्क करना है यूँ आपने स्टिच करना है यहाँ आप एक आएगी एक यहाँ आएगी अब मैं आपको जब लगाना सिखाऊंगी तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कैसी है ठीक है अच्छा आप अब हम सबसे पहले एक स्ट्रिप ले लेते हैं अब स्ट्रिप्स जो है वो लॉन्ग हैं उसको आपने साइज के मुताबिक ख़ुद कट करना है ये एक स्ट्रिप आपने ली इसको आप जो है वो क्योंकि गोल हमने लगानी है तो इसलिए हमने गोल कटिंग की थी इसकी ठीक है अब हम इसको तकरीबन एक हाथ का फासला छोड़ के जस्ट लीव अ वन हैंड डिस्टेंस एंड स्टार्ट इट फ्राम हेयर लाइक दिस इस तरह करके आप इसे गोल जो है वो पूरा इसको यहाँ पे स्टिच कर देंगे मैं आपको ये प्रॉपर दिखाऊंगी ताकि आपको समझ आ जाए क्योंकि बहुत सी हमने फ्रॉक्स बनाई हैं जिसमें आपको अक्सर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको समझ नहीं आती तो वो नीचे जो है वो कमेंट्स वगैरह करते हैं कि आपने सही कटिंग नहीं की या आपने सही स्टिचिंग नहीं की जबकि एक्चुअली वो वीडियो को सही तरह से देखते ही नहीं हैं जिससे उन्हें पता नहीं चलता कि हमने क्या ऐसा किया था जिसकी वजह से ये ऐसी फैब्रिक मतलब इस तरह से लगी है अब आपने यहाँ से क्या करना है एक्स्ट्रा कपड़ा काट लेना है एक्स्ट्रा मैं थोड़ा सा कपड़ा इसलिए छोड़ती हूँ क्योंकि वो स्टिचिंग में आ जाता है तो ये देखें जस्ट लुक एट दिस लीव वन हैंड डिस्टेंस एंड स्टिच दिस लेयर नाउ अब एक हो गई तकरीबन दो तीन उंगलियों का फासला छोड़ के आप दूसरी लेयर लगा लें टू फिंगर्स गैप एंड स्टिच इट लाइक दिस ना फ्रेंड्स एज यू सी अब आपने क्या करना है अब मैं इसको पहले से स्टिच कर लूँगी फ़्रॉक के लिए ठीक है आ, इसको मैंने यहाँ पे इस तरह से इस पूरे को मैंने स्टिच कर लेना है इसको आप छोटी छोटी चुनट देंगे और रफल्ड बना लेंगे बिफोर स्टिचिंग इट विद अपर बॉडी पार्ट जस्ट मेक इट स्टिच इट बिफोर अटैचिंग इट टू द अपर पार्ट लाइक दिस ये फ्रेंड्स हमारा दिस इज ओनली द फ्रंट पोर्शन ऑफ द फ्रॉक अब ये स्लिप है दिस इज़ द स्लिप फैब्रिक वट आई एम गोइंग टू डू इज टू फर्स्ट आई हैव टू अटैच द ऑर्गेंज़ा एंड स्लिप फैब्रिक विद ईच अदर पहले आप शर्ट के दोनों को आपने आपस में जोड़ लेना है और उसके बाद फिर हम इसको अटैच करेंगे फ्रॉक के साथ नाउ फ्रेंड्स एज यू सी के कम्प्लीट हो चुका है अब आपने बिफोर अटैचिंग इट टू द लोअर पार्ट जस्ट स्टिच इट ओवर हेयर दोनों स्लिप फैब्रिक एंड द ऑर्गेंज़ा फैब्रिक शुड बी स्टिच्ड बिफोर अटैचिंग इट टू द लोअर पार्ट ऑफ द फ्रॉक नो फ्रेंड्स अब आपने ये इसके ऊपर रख के इसको आपने स्टिच कर लेना है इसके साथ बहुत ही इजी फ्रॉक है ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही इजीली जो है वो ये बन जाती है इसके ऊपर एक बहुत ही प्यारा सा फ्लावर बनाना सिखाऊंगी एंड तक वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आपको पता चले कि आपने इसको प्रॉपर किस तरह स्टिच करना है ना फ्रेंड्स अब ये बैक साइड है ठीक है बैक साइड को आपने छोटी छोटी चुनटे बनानी है उसके ऊपर हम कोई पेटल्स वगैरह नहीं बनाए दिस इज द बैक साइड ऑफ द फ्रॉग यू नो नीड टू मेक पेटल्स ओवर उर इट्स जस्ट सिंपल रफल्ड एरिया ना फ्रेंड्स इसके साथ अब मैं स्लिप का कपड़ा अटैच कर लूँगी एज़ यू नो आपने देख सकते हैं कि स्लिप का जो नीचे वाला पोर्शन है उसको मैंने हल्की सी पाइपिंग की हुई है अब आप इसको रख के और आपने इसको बैक से भी स्टिच कर लेना है स्टिच करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने दोनों को साइडों से भी स्टिच करके इसको आपने प्रॉपर जो है वो बंद कर लेना है ना फ्रेंड्स फ़्रॉक आपकी हो चुकी है रेडी आप देख सकते हैं कितने प्यारे पेटल्स हैं ये एंड इट्स रियली लुकिंग गुड और अब मैं आपको इसके ऊपर जो फ्लावर बनाना है वो सिखाऊंगी लॉन्ग स्ट्रिप ले लें डबल और ऊपर मैंने एक अलग से डबल करके फैब्रिक लगाया है डार्क ब्लू कलर का आप इसकी लेंथ और वेट देख लीजिए कितनी आ रही है ठीक है मैंने नीचे जो है वो लिख के दी हुई है कि आपने ट्वेंटी सेवन इसकी पूरी लेंथ है The length of the long uh, strip is about twenty-seven, and the width is about uh, four inches. Take dark blue color of the half of this size of the larger one, and just stitch it in the middle of this fabric. This is a small strip. The length should be like uh, eighteen inches, and I have to cut the uh, uh, this for making a bow. Now, friends, you need another one. दो सर्कल्स आपको स्क्वेयर्स चाहिए होंगे तकरीबन थ्री थ्री इंचेस के हैं ये मैं आपको मेजर करके बताती हूँ थ्री एंड दिस इज़ थ्री सो आपको ये दो चाहिए जो हमने स्ट्रिप्स बनाई हैं उनके साथ हम इसको बना के एक बो के नीचे जो दो लेयर्स होती हैं वो बना लेनी है दिस इज़ अनदर फैब्रिक अच्छा इसको साइडों से मैंने काट के और इसको मैंने आहिस्ता मतलब इसको मैंने आ, पाइपिंग कर ली है इसको आप देख सकते हैं मैंने इसको सी लिया है इसकी अब लेंथ और विड़्थ आपको मैं बता देती हूँ इसको आपने काटना है ठीक है बीच से आप इसको काट लेंगे आगे आपको सही तरह समझ आ जाएगी कि ये मैंने जैसे ये थोड़ी सी बड़ी स्ट्रिप है जो फ़्लावर बनाने के लिए यूज़ होगी ठीक है दिस इज़ अन अदर स्ट्रिप सो आई हैव टू कट इट लाइक दिस इस तरह आपने इसको कट करके और इसकी स्टिचिंग कर लेनी है लेंथ और विर्थ मैंने दोनों की बता दी है नीचे कि आपने इसको कितना कितना लेना है नाउ फ्रेंड्स अब हम अपना फ्लावर बनाना तैयार करते हैं ये बहुत ही प्यारा फ्लावर है बहुत इजीली हम आपको सिखा रहे हैं दिस इज द एक्चुअली मेन स्ट्रिप फॉर मेकिंग द फ्लावर एंड प्लीज़ फोकस इट लाइट ब्लू कलर का धागा ही आपने यूज़ करना है द कलर ऑफ द थ्रेड शुड बी द सेम एज ऑफ द लाइट ब्लू कलर एंड जस्ट मेक अ फ्लावर एज़ यू सी फ्रेंड्स फ्लावर रेडी हो चुका है अब मैं ये देख सकते हैं आप मैंने इनको क्या किया है इसको मैंने बंद करके स्टिच कर लिया है द स्क्र इज स्टिचड नाउ एंड नाउ आई हैव टू मेक दिस लाइक दिस फ्रेंड्स ये हमारी फाइनल स्ट्रिप है इसको मैंने काट के इसके ऊपर मैंने दोनों स्ट्रिप्स लगा ली हैं इस तरह से और जो फ्लावर है अब आपको पता चल गया होगा कि मैंने कौन कौन सी चीज़ें किसके लिए बनाई थी ये दूसरी वाली स्ट्रिप थी और इसको मैं थोड़ा सा जो है वो नीट लुक देने के लिए इसको मैं थोड़ा सा आ, आ, फ्लेम दूंगी और फ्लेम देने के बाद मैंने क्या करना दीज आर एक्चुअली द पैटल्स एंड आई हैव टू अप्लाई द आई हैव टू स्टिच द फ्लावर ओवर है इस तरह रख के अपने फ्लावर्स के साथ अटैच कर लेना ग्लू गन से आप कर लें ये आपका रेडी हो चुका है अब हम इसको फ्लावर के ऊपर लगाएंगे ना फ्रेंड्स अब हम इसको फ्रॉक के ऊपर अटैच कर देंगे सॉरी लास्ट टाइम मैंने फ्लावर बोल दिया फ्रॉक के ऊपर हम इसको ग्लू गन से अटैच करेंगे बहुत ही ये प्यारी सी फ्रॉक है कलर आपकी अपनी मर्जी है आप कौन सा चूज़ करना चाहते हैं आ, बेबी पिंक कलर हो शॉकिंग पिंक हो बहुत ही अच्छा लगेगा आप फ्लावर में जो कलर यूज़ करेंगे उसको थोड़ा सा डार्क करें ताकि वो ज़्यादा अच्छा लगेगा तो इस तरह इसको मैं अटैच कर लूँगी ये बहुत ही प्यारी फ़्रॉक हमारी तैयार हो चुकी है आई होप कि आपको ये अच्छी लगी होगी अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और आई uh, होप uh, कि आपको जो है वो uh, और भी हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी अगर आपका कोई कमेंट है अगर आपका कोई सजेशन है एडवाइस है और uh, आप कुछ और सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा uh, इस फ्रॉक को आप एज़ अ पार्टी वेयर फ्रॉक भी यूज़ कर सकते हैं इसके साथ हम आपको यही बैंड यही फ्लावर लेके आप हेयर बैंड भी बना सकते हैं Uh, साथ में और साथ में छोटा सा एक बैग और साथ में वाइट कलर के शूज़ आप यूज़ करें पम्प्स यूज़ करें बहुत ही प्यारे लगेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी फ़्रॉक को और कॉम्प्लीमेंट करती हैं अगर आप साथ में शूज़ मैचिंग कर लेंगे पर्स वगैरह ले लेंगे तो बहुत ही प्यारा लगेगा नाउ यू कैन सी कि बहुत ही प्यारी फ्रॉक तैयार हो चुकी है आई होप आपको ये भी अच्छी लगी होगी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो अगर आपको ये पसंद आएगी तो लाइक जी करें